यहाँ पर तो ऊँट भी खड़े हुए हैं और ये कट्टे छट्टे भी खड़े हुए हैं, बैड भी खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से सारा ये हर जानवर का मुकाबला है यहाँ पर। बकरों का मुकाबला नहीं है यहाँ पर? इतने हेल्दी के बजाय के कपड़े फट गए, पूरे नहीं आ रहे। इसकी हाइट लाजवाब है माशाल्लाह से, चेक करें इसकी। ये स्टेडियम है जहाँ पर ये बकरा फेस्टिवल चल रहा है, बकरा वेट फेस्टिवल या जो भी है। अभी जाके देखते हैं क्या असल में क्या है यहाँ पर। यहाँ पर भी कोई स्टेडियम वगैरह बन रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं। इधर से चलते हैं क्योंकि साइकिल लेके जाना चाह रहा हूँ मैं जी। तो ये जी बकरा फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर, टेंट शेंट लगे हुए हैं और क्या कमाल का। ओए होए ओए गारा, ये तो मेरी साइकिल यहाँ पर धंस जानी बीच में। ये क्या हुआ, ये लगता है कि ये सारा फेस्टिवल ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो कुर्सियाँ वाइट अप कर रहे हैं या फिर अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये कि मैं ना साइकिल यहाँ पर खड़ी कर दूँ बाहर ही, क्योंकि अंदर गारा हुआ और वह वहाँ पर बिल्कुल भी साइकिल सही नहीं चल रही, शायद बाद में भी इशू बनाए। तो मैं साइकिल यहाँ खड़ी करके फिर ही जाता हूँ अंदर। ये पहले नहीं था बना हुआ, अभी ये बफलो शॉप पर नहीं बना हुआ था, ये सारा ग्राउंड इन्होंने नए सिरे से तैयार किया है। कमाल है, साइकिल इधर खड़ी करके जाता हूँ अंदर। शाम को ही करेंगे, ये शुरू तो नहीं किया लेकिन शाम को ही करेंगे, अभी किया तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसको। क्या सीन चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो ऊँट भी खड़े हुए हैं और ये कट्टे छट्टे भी खड़े हुए हैं, बैड भी खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से सारा ये हर जानवर का मुकाबला है यहाँ पर। चलें देखते हैं जानवरों को। ये पीछे आप देख रहे हैं जानवर मेरे पीछे, वो ये ऊँट हैं और ये यहाँ पर ये बैल खड़े हुए हैं। बकरों का मुकाबला नहीं है यहाँ पर? मुकाबला नहीं है, ये यहाँ पर ऊँट हैं नुमाइश के लिए आए हुए हैं ये ऊँट भी। यहाँ पर बिक्री वगैरह तो आई थिंक यही होनी, नुमाइश के लिए मुकाबले के लिए ही आए हुए हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होनी ना यहाँ पर। बाकी वो कह रहे हैं कि बकरे जो हैं वो यहाँ पर हैं और उनका जो मुकाबला होना है ना वो शाम को होना है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि दिन टाइम आज तो मौसम ठीक है लेकिन दिन टाइम ऐसे बहुत गर्मी होती है, तो मुकाबला जो है ना शाम को ही रखा हुआ है इन्होंने। चलो चलते हैं बकरे देखते हैं चल के। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें क्या कमाल का ये दुम्बा है, और वो देखें माशाल्लाह 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 से, चेक करें इसकी। ये तो है कितना वजन है, मुकाबला शाम को, आज फाइनल है ये जी माशाल्लाह, ये चेक करें। आई एम जस्ट मिसिंग कशान क्योंकि वो बहुत अच्छा जानवरों के साथ लगाव रख, कपड़े से ढका हुआ था कि नज़र ना लग जाए अभी माशाल्लाह। इसका वज़न कम से कम भी ना 150 किलो तो होगा ये जी। ये सबसे बड़ा बकरा अभी तक, और इसकी हाइट कमाल की है, देख सकते हैं इसकी हाइट। ये मुझे मारे ना बस, इसका वजन कम से कम 200 किलो होना। इसकी हाइट लाजवाब है, बहुत हाइटेड बकरा है और माशाल्लाह तगड़ा भी है। अभी इनका यहाँ पर लंच चल रहा है, ये भी माशाल्लाह हेल्दी बकरे हैं, इतने हेल्दी के बजाय के कपड़े फट गए, पूरे नहीं आ रहे। तो ये जो है ना पार्टिसिपेट करने वाले हैं शाम को मुकाबले के अंदर। अभी यहाँ पर तो ये बकरे हैं, यहाँ पर पीछे यहाँ पर बकरे देखे हैं, और यहाँ पर आपको भी यहाँ पर इस ये यहाँ पर इन्होंने कोई फंक्शन का इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पर डेकोरेशन और स्टेज वगैरह सजाया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने लगता कोई फंक्शन वगैरह इन्होंने करना है, स्पीकर भी लगे हुए हैं ना पीछे। वो मैंने आपको बताया था कि वो पीछे ऊँट हैं, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पीछे ऊँट खड़े हुए हैं। तो अभी ऊँट को जाके देखते हैं, ऊँटों की वैरायटियाँ हैं, ऊँटों का भी लगता है यहाँ पर मुकाबला होना है, इसलिए तो यहाँ पर लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर बिक्री तो हो ही रही। इधर बकरे हैं इस जगह पर, और इधर बैल हैं, और इधर ऊँट। ये वो वाला सीन हो गई, ये मैं हूँ
ये मेरी गाड़ी है, पता नहीं वो क्या था, दनानीन मुबीन वाला जो मीम बना था, एक कोई लड़की का नाम याद है मुझे और मीम याद नहीं है। ये ऊँट चेक करें इसके खाल के ऊपर ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं।